नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं YouTube रेड टेक भरत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिस्टुलोग्राम और साइनोग्राम के बारे में कि क्या होता है फिस्टुला और क्या होता है साइनोग्राम। जनरली आज हम इसमें शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में फिस्टुलोग्राम क्या होता है और साइनोग्राम क्या होता है, इनकी डेफिनेशन के बारे में और ये किस केसेज में किया जाता है। तो इसके पहले शॉर्ट समरी में हमें जानने के इसलिए जरूरी है या इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हमें जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम आगे बात कर पाएंगे कि हमें ये प्रोसीजर किस प्रकार से करना है, क्योंकि कई बार इन दोनों में कन्फ्यूजन होता रहता है कि फिस्टुलोग्राम क्या है और साइनोग्राम क्या है। तो ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि फिस्टुला क्या होता है और साइनस क्या होता है, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से करेंगे या फिर आने वाले प्रोसीजर में आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे पूरे कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में, किस प्रकार के इसके इंडिकेशन है, किस प्रकार के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्टुलोग्राम के बारे में कि फिस्टुलोग्राम क्या होता है। चलिए सबसे फर्स्ट हम नाम व्यू से देखते हैं कि फिस्टुलोग्राम होता क्या है। ओके, तो फिस्टुला एंड ग्राम यानी कि फिस्टुला की ग्राम यानी रेडियोग्राफी करना फिस्टुलोग्राम कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिस्टुला आखिर होता क्या है। ओके, द फिस्टुला इज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू नेचुरल होलो स्ट्रक्चर और टू बॉडी कैविटीज। ओके, तो सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन है किनके बीच में, दो नेचुरल होलोज यानी नेचुरल होलोज यानी क्या कह सकते हैं कि जो भी बॉडी की नेचुरल कैविटीज हैं यानी कि इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे जो भी पार्ट्स हैं ये सारी क्या है कि नेचुरल होलो हमारी जो कहलाती है। यानी कि अगर अपन पूरे इसोफेगस से हम पूरे रेक्टम तक की बात कर सकते हैं तो ये एक होलो स्ट्रक्चर है, तो ये इस प्रकार से हमारा नेचुरल होलो। तो यानी कि जब भी फिस्टुला जो होगा तो यानी कि एबनॉर्मल कनेक्शन यानी कि कोई भी दो नेचुरल होलोज हैं उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना उसको हम कहेंगे कि ये नेचुरल होलो के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन बन चुका है। तो एबनॉर्मल कनेक्शन बन चुका है तो इसको हम कहेंगे फिस्टुला। और क्या बात आ गई कि टू बॉडी कैविटीज यानी कि कोई भी दो बॉडी की कैविटी है। ओके, यानी कि बॉडी ऑर्गन वगैरह उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और क्या कह रहा है नेक्स्ट देखिए कि वन बॉडी कैविटी एंड स्किन सरफेस, यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एक कोई भी होलो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर और एक क्या आ गई इसके अंदर स्किन आ गई, तो यानी कि अगर स्किन और होलो स्ट्रक्चर के बीच में भी अगर एबनॉर्मल कनेक्शन बन चुका है तो अपन उसको भी फिस्टुला कहेंगे। यानी कि आप फिस्टुला कोई भी देख लो उसके अंदर ऑर्गन या बॉडी का जो होलो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा फिस्टुलोग्राम है। द फिस्टुला मे बी कॉन्जाइटल और डेवलप आफ्टर द सर्जरी और इंजरी एंड ऑर्गन। ओके, यानी कि फिस्टुला जो है वो कई बार जन्मजात भी होता है और सर्जरी के बाद में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन या उस कारण भी ये कई बार ऑर्गन की इंजरी के कारण भी ये फिस्टुला बनता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला। ओके, कॉजेज तो अपन ने देख लिया, कॉजेज की अगर बात की तो ये जन्मजात भी होते हैं और डेवलप कब होते हैं सर्जरी के बाद में या फिर कोई भी इंजरी हो गई ऑर्गन की तो उस समय, तो यानी कि ये इसके कॉजेज हो गए यानी कब ये डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमनली टाइप का फिस्टुला कौन सा हो सकता है। जनरली आपको फिस्टुला देखने को मिलेगा हम रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जब भी हम प्रोसीजर करते हैं तो उसमें मोस्ट कॉमनली रहता है एनल कैनाल का फिस्टुला। ओके, सो मोस्ट कॉमनली अपन कहते हैं तो ये एनल कैनाल का फिस्टुला जो मोस्ट कॉमनली आता रहता है। ओके, अब देखिए फिस्टुला और कौन कौन से टाइप के हो गए, वेजाइना एंड रेक्टम फिस्टुला यानी कि वेजाइना और रेक्टम के बीच के अंदर जब भी ये फिस्टुला बनता है तो उसे हम ये वाला कहते हैं। ओके, तो इसी को ही आरवीएफ भी कहते हैं यानी रेक्टम एंड वेजाइना फिस्टुला। ओके, और ये ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला भी इसी के नाम से जाना जाता है। ओके, और फिर अपन ने कह दिया आर्टरी और विनस फिस्टुला यानी कि आर्टरी और विनस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं, ये देखिए जो ये अपनी ये वेन्स है और ये आर्टरी वाला पार्ट है तो इन दोनों के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना है जिसको इसके अंदर दिखाया गया है तो इनको एबी फिस्टुला कहते हैं। इसके कारण से कई बार क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में मिल जाता है तो इस प्रकार से आगे जाके ये बहुत दिक्कत दे सकता है। ओके, और रेक्टम का फिस्टुला अपन देख सकते हैं एनल फिस्टुला जिसको हम कह रहे हैं तो इस प्रकार से ये देखिए एक तो क्या आ गई इसके अंदर स्किन सर्फेस आ गई और एक नेचुरल होलोज आ गई। नेचुरल होलो कौन सी हो गई, रेक्टम हो गई और जो अपना स्किन सर्फेस पे हो गया तो इसको भी हम क्या कहते हैं फिस्टुला कहते हैं। ओके, सो ये हमारा था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला है। चलिए अब बात करते हैं साइनोग्राम प्रोसीजर के बारे में कि साइनोग्राम प्रोसीजर क्या होता है। यानी कि अपन ने बात की थी कि ये जो नेम व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखे तो साइनो यानी कि साइनस। ओके, सो साइनस एंड ग्राम यानी कि उसकी रेडियोग्राफी करना। ओके, ये अपन ने बात, तो अब हम बात करते हैं कि साइनस क्या होता है। ओके, द साइनस इज ए पस और फ्लूइड डिस्चार्जिंग लाइन ट्रैक्ट सिचुएटेड द स्किन अंडर द स्किन। ओके, यानी कि ये यूं कहना चाहता है कि जो साइनस है साइनस में साइनस का मींस क्या है सबसे फर्स्ट, क्योंकि अपने फिस्टुला में तो एबनॉर्मल कनेक्शन है लेकिन अपन जब भी साइनस की बात करते हैं साइनोग्राम करना तो यानी साइनस ही एक वो है कि जैसे पस और जो फ्लूइड से जहां से डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि वो कौन सा ऐसा ट्रैक्ट है जहां से ये डिस्चार्ज हो रहा है यानी और ये कहाँ होगा, हमेशा स्किन के अंडर में होगा। ओके, यानी कि जब भी इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे तब हम किसी भी नेचुरल होलो ऑर्गन की बात नहीं की है। ओके, ना नेचुरल कैविटीज की बात की है ना नेचुरल होलो की बात की है। अब अपन बात करते हैं कि साइनोग्राम क्या, साइनस के बारे में अपन जान चुके हैं कि साइनस क्या होता है, अब हम बात करते हैं साइनोग्राम क्या होता है यानी कि साइनस की रेडियोग्राफी करना। ओके, इट इज ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर टू इवेल्यूट द साइज एंड शेप ऑफ द ब्लाइंड साइनस ट्रैक। ओके, तो ब्लाइंड साइनस ट्रैक को हम पहचान, अभी आगे हम इसकी इमेजेस को देखेंगे तो इससे और हमारे क्लियर हो जाएगा। अब ये साइनोग्राम इसमें जो भी हमारा ब्लाइंड ट्रैक, अभी अपन कह रहे थे ब्लाइंड ट्रैक है यानी कि इसकी एक ओपनिंग तो स्किन पे आ रखी है। ओके, एक ओपनिंग इसकी स्किन पे आ रखी है जहां से ये फ्लूइड वगैरह डिस्चार्ज हो रहा है और आगे जाके ये कहां तक फैला हुआ है ये अपन इसको क्या कह रहे हैं ब्लाइंड ट्रैक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये आगे कहाँ तक जा रहा है। ओके, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो साइनोग्राम प्रोसीजर के अंदर जो भी रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको उस जो ओपनिंग ट्रैक्ट है यानी कि मोस्ट कॉमनली जो स्क्रीन पे ही होता है
स्क्रीन से हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डालते हैं और ये जहां तक जाता है तो अपन उस ट्रैक का हमें साइज और शेप का इवेल्यूशन करना होता है साइनोग्राम प्रोसीजर में। ओके सो अब इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि साइनस के, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज हम कह सकते हैं कि साइनस फॉर्मेशन इज द प्रेजेंस ऑफ द अंडरलाइन इन्फेक्शन, जो भी अंडर जो स्किन के अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो ये जैसे एब्सेसिस वगैरह हो गए, तो ये वाले क्या है इसके साइनस के फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। ओके तो एक तो मोस्ट कॉमन ये कारण हो गया, और साइनस का अपन जो अपन अभी बात कर रहे थे कि जैसे फिस्टुलोग्राम में अपन ऑर्गन की या कैविटीज की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर साइनस ट्रैक्ट कॉमनली जो ओपन होते हैं कहाँ पे होते हैं, स्किन पे होते हैं। इसी के कारण अपन क्या कर सकते हैं, जब ये स्किन पे ओपन होते हैं तभी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट करके हम रेडियोग्राफ कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम साइज और ये इवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेजेस वगैरह भी आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो स्किन के अंदर अगर ऑब्लिक इमेज पर देखूं तो ये इसके अंदर कैनुला इंसर्ट कर रखा है, और ये जो इसकी ओपनिंग थी वहां से इनको इसमें फ्लूइड डाला हुआ है, तो ये सारा फ्लूइड और ये जहां तक ब्लाइंड ट्रैक्ट है वहां तक जाके ये बता रहा है। इसी प्रकार से अगर आप ये इसकी लेटरल इमेज देखें तो भी हमें इसमें पता चल रहा है कि ये जो सारा हमारा कैनुला था, ये सारा ये इसके अंदर जो फ्लूइड है ब्लाइंड ट्रैक्ट है ये इसमें शो हो रहा है। ओके सो अभी हम एक बार वापस बात कर लेते हैं कि फिस्टुला और साइनस क्या चीज है। यहाँ पे जब भी बात की अपने फिस्टुला के बारे में, तो फिस्टुला में अपन क्या कह रहे थे कि नेचुरल होलो। ओके या तो क्या होगी, दोनों नेचुरल होलो होगी, नेचुरल होलो अगर कह सकते हैं अपन, जैसे कौन कौन सी होगी, ईसोफेगस से लेके पूरे रेक्टम तक ये अपनी पूरी नेचुरल होलो ही है। ओके या तो दो नेचुरल के होलो के बीच में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल कनेक्शन, या फिर अपन क्या कह सकते थे दो कैविटीज के बीच में हो गया। ओके दो कैविटीज के बीच में हो गया, या फिर एक जो नेचुरल होलो कैविटी हो गई, एक तो हो गई कौन सी नेचुरल कैविटी और एक स्किन सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे फिस्टुला। और जब भी इसकी रेडियोग्राफी अपन करेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे फिस्टुलोग्राम। ओके तो इस प्रकार से ये हमारा, अगर हम इसके इमेज के अंदर हम बात करें, इमेज आप देख सकते हैं कि ये इसमें एनल फिस्टुला की बात की है, तो इसके अंदर एक तो हो गया नेचुरल होलो कनेक्शन और एक हो गया स्किन सरफेस पे। तो ओके अभी हम बात करते हैं कि साइनोग्राम क्या होता है। ओके जनरली हमको साइनस पता था कि साइनस क्या होता है, से भी जो पस या जो भी फ्लूइड है, पस या फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है जिस भी ट्रैक्ट से। ओके जिस भी ट्रैक्ट, या फिर अपन जैसे ये ब्लाइंड ट्रैक्ट है उसको अपन कह सकते हैं, तो जिस ट्रैक्ट से पस या फ्लूइड जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको अपन कहते हैं साइनस, और साइनस की रेडियोग्राफी करना कहलाता है साइनोग्राम। ओके अगर इस इमेज के थ्रू देखें तो ये देखें नी के बैक साइड के अंदर। ओके तो ये ऑब्लिक इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इजेक्ट किया है, और ये जो ब्लाइंड ट्रैक्ट है वहां तक हमें इसकी एक इमेज हमें मिल गई। तो साइनोग्राम मोस्ट कॉमनली इसके जो ब्लाइंड ट्रैक्ट है उसका साइज और शेप को इवेल्यूएट किया जाता है। ओके साइज और शेप को इवेल्यूएट करेंगे ताकि पता चल जाएगा कि ये किस तरफ बढ़ रहा है, या किसी ऑर्गन को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, या किस प्रकार की इसमें एबनॉर्मलिटी है। यानी कि जब भी बात अपन ने की केवल फिस्टुलाग्राम की, तो एबनॉर्मल कनेक्शन आ रहा था। ओके एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन या फिर वन ऑर्गन एंड स्किन। और जब भी हम बात कर रहे थे कि साइनस की, तो साइनस या फिर तो साइनस के बारे में अपन क्या कह रहे थे, ब्लाइंड ट्रैक्ट आ रहा था इसमें, ब्लाइंड ट्रैक्ट सबसे मोस्ट कॉमनली। और क्या आ रहा था कि इसकी जो ओपनिंग होती है साइनस की वो हमेशा स्किन पे होती है। ओके तो अभी हम इसके बारे में कंप्लीटली इसके बारे में जान चुके हैं कि भाई फिस्टुलाग्राम क्या है और साइनस क्या है, या किस प्रकार की एबनॉर्मल कनेक्शन होगा तब हम उसे फिस्टुला कहेंगे, या किस तरह का कनेक्शन होगा तब हम उसे साइनोग्राम कहेंगे। तो ये सारा अभी हमने इसमें डिटेल में देख लिया है। तो यहाँ हमारे ज्ञान की बात अभी समाप्त होती है। चलिए बात करते हैं कुछ ध्यान की। हम ध्यान रखना है कि फिस्टुला हम कब कहेंगे, साइनस कब कहेंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि साइनस नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पैरानेजल साइनस जो होते हैं, तो उस समय हमें कंफ्यूज नहीं होता है कि होना है कि साइनस किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जब भी साइनोग्राम अपन जब भी बात कर रहे हैं तो साइनोग्राम यानी कि जो साइनस के लिए जो रेडियोग्राफी कर रहे हैं उसी को साइनोग्राम कहेंगे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पैरानेजल साइनस के लिए करेंगे तो हम उसको साइनोग्राम कहेंगे, तो ये एक डिफरेंट चीज हो जाती है, पैरानेजल साइनस और साइनस ये वाला अलग चीज हो जाती है। एक आता है हमारे पास रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर साइलोग्राफी, ओके या फिर साइलोग्राम कह दो। तो कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइनोग्राम और साइलोग्राम, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। साइलोग्राम होता है सिलेवरी ग्लैंड के लिए, ओके सिलेवरी ग्लैंड के लिए, ओके तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यानी कि अपने पास नाम है साइनोग्राम और साइलोग्राम। ओके सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया, जब भी साइलो वर्ड आ रहा है तब किसके लिए हो रहा है कि सिलेवरी ग्लैंड के लिए, और साइनोग्राम की बात आ रही है तो साइनस के लिए हो रहा है यानी ब्लाइंड ट्रैक्ट के लिए। साइनस नाम भी दे दें अगर कभी के साइनस की रेडियोग्राफी करनी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पैरानेजल साइनस, यानी साइनोग्राम जो प्रोसीजर है वो जनरली साइनस के लिए होता है, जो कि साइनस होता है ब्लाइंड ट्रैक्ट। ओके ब्लाइंड ट्रैक्ट जिसमें से पस या फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये थी हमारे ध्यान की बात जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। ओके सो आज का हमारा वीडियो ये यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने साइनस और फिस्टुलाग्राम के बारे में बात कर ली है, लेकिन इसका जो डिटेल जो प्रोसीजर है वो हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो हमारा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।